Thank you.
संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन का व्यायाम, गर्दन को आगे और पीछे झुकाना, सचेत मुद्रा में खड़े हों, पैरों को आरामदायक स्थिति में फैलाएं तथा हाथों को कमर पर रखें, सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके और सांस भीतर लिए हुए सिर को वापस आगे लाएं। गर्दन को बाहिनी तथा दाहिनी ओर झुकाना, सांस छोड़ें तथा सिर को धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकाएं। कान को कंधे के उतना अधिक निकट ले जाएं जितना संभव हो। सांस भीतर लें तथा सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ झुकाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। दाहिनी और बाहिनी ओर घुमाना, सांस छोड़ें तथा सिर आराम से दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि थोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। सांस छोड़ें तथा सिर को बाईं तरफ घुमाएं। सांस भीतर लें तथा सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। गर्दन को घुमाना, सिर को आगे की ओर झुकाकर थोड़ी को छाती से स्पर्श कराने का प्रयास करें। सांस भीतर लें तथा सिर को घड़ी की सुइयों की दिशा में घुमाएं। सिर नीचे की ओर जाते समय सांस छोड़ें, सिर को घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में घुमाएं। गर्दन के चारों ओर खिंचाव, गर्दन के जोड़ों और मांसपेशियों के शिथिलन तथा गर्दन के तनाव के दूर होने की अनुभूति करें। गर्दन में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत वाले लोगों को यह व्यायाम आराम से करना चाहिए। स्कंद संचालन। दोनों पैर परस्पर मिले हुए हों, पैर से सिर तक के हिस्से को सीधा रखें, भुजाओं को बगल में रखें। श्वास खींचते हुए बगल से दोनों भुजाओं को अपने सिर से ऊपर उठाएं। हथेलियां ऊर्ध्व दिशा में हों। श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को बगल में वापस ले आएं। जब हाथों को सिर से ऊपर उठाएं, तो ध्यान रखें कि वे सिर को स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथों को नीचे लेकर आएं, तो इस बात का ध्यान रखें कि जांघों को वे स्पर्श ना करें। उंगलियों को मिलाते हुए दोनों हथेलियों को पूरी तरह खोलें। स्कंद चक्र। सीधा खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर रखें और उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें और जब कोहनियों को घुमाएं तो उन्हें कानों के समीप ले जाने की कोशिश करें। इसी तरह विपरीत दिशा में भुजाओं को खींचते हुए घुमाएं और कोशिश करें कि इस दौरान भुजाएं शरीर को स्पर्श करें।
इस क्रिया को बाएं से दाएं अर्थात घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 5 बार दोहराएं। इस क्रिया के अभ्यास से हड्डियां, मांसपेशियां और स्कंद क्षेत्र की तंत्रिकाएं स्वस्थ रहती हैं। यह अभ्यास गर्दन की रीढ़ की हड्डी की अपकर्षक अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी को दूर करने में सहायक है। धड़ को घुमाना। पांव को परस्पर 2 फुट की दूरी पर रखें। दोनों हाथों को छाती की ऊंचाई तक इस प्रकार उठाएं कि दोनों हथेलियां एक दूसरे के सामने हों। सांस छोड़ें, शरीर को दाहिनी तरफ इतना घुमाएं कि बाईं हथेली दाहिने कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। अब सांस छोड़ें, शरीर को बाईं तरफ इतना घुमाएं कि दाहिनी हथेली बाईं कंधे को स्पर्श कर ले। सांस भीतर लेते हुए वापस लौटें। पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए धीरे धीरे करें। मेरुदंड या डिस्क संबंधी समस्या होने पर तथा मासिक धर्म के दौरान यह व्यायाम ना करें। खड़ी मुद्रा में विश्राम करें। घुटनों को चलाना। सांस भीतर लें, अपनी भुजाओं को कंधों तक उठाएं। सांस छोड़ें, घुटने मोड़ें तथा अपने शरीर को शून्य की मुद्रा में नीचे लाएं। सांस भीतर लें और शरीर को सीधा करें। 2 बार और दोहराएं। इस व्यायाम से घुटने तथा कूल्हे के जोड़ मजबूत होते हैं। अत्यधिक आर्थराइटिस की समस्या होने पर इस व्यायाम को छोड़ दें। हाथों को नीचे लाते समय सांस छोड़ें। आइए अब योगासना की तरफ बढ़ें। ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। पैरों को परस्पर 2 इंच की दूरी पर रखें, उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा कलाइयों को बाहर की तरफ मोड़ें। सांस भीतर लें तथा भुजाओं को ऊपर उठाते हुए कंधों की सीध में ले जाएं। एड़ियों को भूमि से ऊपर उठाएं और अंगूठों पर संतुलित हों। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। ये आसन शरीर में मजबूती लाता है, रीढ़ से जुड़ी तांत्रिकाओं के संकुलन को ठीक करने में सहायता देता है और गलत मुद्राओं को ठीक करता है। सांस छोड़ें, एड़ियों को नीचे लाएं, उंगलियों की जकड़न को खोलें, हाथों को धड़ के समांतर नीचे लाएं और खड़े होने की मुद्रा में वापस आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांग पर रखें। अभ्यास करते समय ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार अर्थात पेरिनियम क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। इस स्थिति में 10 से 15 सेकंड तक रहें। इस दौरान सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करें। यह आसन तंत्रिका तंत्र की स्नायुओं को बेहतर और शरीर को संतुलित बनाता है। आर्थराइटिस रोग से ग्रसित होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। श्वास छोड़ते हुए हाथों एवं दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस लेकर आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। बाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर मिलाएं। पादहस्तासना। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। धीरे धीरे सांस भीतर लें और हाथों को ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। सांस छोड़ें तथा आगे की तरफ तब तक झुकें जब तक पूरी हथेली धरती को स्पर्श करने लगे।
इस अंतिम स्थिति को 10 से 30 सेकंड तक बनाए रखें। जिन लोगों को पीठ की अकड़न की समस्या हो, उन्हें अपनी क्षमता के अनुरूप ही झुकना चाहिए। अब सांस भीतर लें, धीरे धीरे सीधी स्थिति में आए और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। सांस छोड़ें और धीरे धीरे प्रक्रियाओं को विपरीत क्रम में करते हुए प्रारंभिक स्थिति में आए। विश्राम करें। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों से कमर पर सहारा दें। सांस छोड़ें, सिर को पीछे झुकाएं, गर्दन की मांसपेशियों को खींचें तथा रीढ़ के निचले हिस्से से पीछे की ओर झुकें। सामान्य सांस लेते हुए विश्राम करें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। अर्ध चक्रासन रीढ़ को लचीला बनाता है तथा मेरु तंत्रिकाओं को मजबूती प्रदान करता है। ये सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है। सांस भीतर लें, धीरे धीरे वापस आएं तथा विश्राम करें। उच्च रक्तचाप के रोगियों को सावधानी से झुकना चाहिए। त्रिकोणासन। त्रिकोण का अर्थ है त्रिभुज। पैरों को परस्पर आरामदायक दूरी पर रखकर खड़े हों। हाथों को धीरे धीरे किनारे से तब तक उठाएं जब तक वे क्षैतिज ना हो जाएं। सांस छोड़ें, धीरे धीरे दाहिनी तरफ झुकें और दाहिने हाथ को दाहिने पैर के ठीक पीछे रखें। बाएं हाथ को दाहिने हाथ की सीध में खड़ा करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रहें। ये समतल पैर से बचाता है, पिंडलियों, जांघों तथा कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। सांस अंदर लेने के साथ ही धीरे धीरे वापस आएं। बाईं तरफ के लिए फिर दोहराएं। स्लिप डिस्क, साइटिका और उदर शल्य चिकित्सा के उपरांत यह आसन ना करें। अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाएं। भद्रासन। आइए अब बैठने वाली मुद्राओं के लिए तैयार हों। भद्र का अर्थ है दृढ़। पांवों को सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठे। हाथों को कूल्हों के पास रखें। ये दंड आसन है। अब अपने पैरों के तलवों को एक साथ रखें। सांस छोड़ें और अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठों पर कसें। अपनी एड़ियों को जितना संभव हो उतना मूलाधार के पास लाएं। ये अंतिम स्थिति है। इस स्थिति में कुछ देर तक रहें। भद्रासन शरीर को दृढ़ रखता है और मस्तिष्क को स्थिर करता है। अब अपने पैरों को खींचें और विश्राम की अवस्था में आएं। एक्यूट आर्थराइटिस अथवा साइटिका होने पर यह अभ्यास ना करें। वज्रासन। सर्वप्रथम दंडासन में बैठ जाएं। पैरों को मोड़ते हुए एड़ियों पर बैठ जाएं। जांघों को सटा कर रखें एवं अंगूठे एक दूसरे से सटे हुए हों। हाथों को घुटनों पर रखें। सिर से पांव तक शरीर को सीधा रखें। इस आसन को वज्र आसन कहते हैं। अर्ध उष्ट्रासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाएं। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। हाथों को कमर पर इस प्रकार रखें कि अंगुलियां जमीन की ओर हों। कोहनियों एवं कंधों को समानांतर रखें। अब सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए ग्रीवा की मांसपेशियों को खींचें। श्वास को अंदर खींचते हुए धड़ को जितना संभव हो सके उतना झुकाएं। श्वास बाहर छोड़ते हुए इस स्थिति में शिथिल हो जाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकें। इस योगाभ्यास से पीठ और गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। कब्ज एवं पीठ दर्द से मुक्ति मिलती है। श्वास खींचते हुए वापस वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल हो जाएं।
उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं, घुटनों को जमीन पर टिकाते हुए अपने दोनों पैरों की जांघ और पंजों को आपस में मिला लीजिए। घुटनों और पंजों के बीच कुछ इंचों की दूरी रखते हुए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। श्वास खींचते हुए धीरे से पीछे की ओर झुकें। धीरे धीरे दाहिने हाथ से दाहिनी एड़ी और बाएं हाथ से बाईं एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। इस बात का ध्यान रखें कि पीछे झुकते समय गर्दन को झटका ना लगे। उष्ट्रासन दृष्टिकोण में अत्यंत लाभदायक है। यह पीठ एवं गर्दन के दर्द से आराम दिलाता है। यह उदर एवं नितंब की वसा को कम करने में सहायक है। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी व हर्निया के मरीजों को यह आसन नहीं करना चाहिए। श्वास खींचते हुए पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। शिथिल अवस्था में आ जाएं। शशांकासन। शशांक का अर्थ है शशक या खरगोश। दोनों घुटनों को दूर फैलाएं, जबकि अंगूठों को परस्पर स्पर्श करने दें। हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। सांस छोड़ें और उन्हें धीरे धीरे पूरी लंबाई में खींचें। आगे झुकें और थोड़ी को भूमि पर रखें। भुजाओं को समांतर रखें। सामने देखें और मुद्रा को बनाए रखें। यह तनाव और गुस्से को कम करने में सहायक है। सांस भीतर खींचें और उठें। सांस छोड़ें और वज्रासन में वापस आएं। अपने पैरों को वापस विश्रामासन में लाएं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के रोगियों को यह सावधानी के साथ करना चाहिए। उत्तान मंडुकासन। इस आसन में शरीर की स्थिति ऊर्ध्वमुखी मेंढक जैसी हो जाती है। वज्रासन में बैठ जाएं। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को अधिक से अधिक फैलाएं। श्वास खींचते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं। सिर के पीछे से दोनों हाथों को मोड़ें और हथेलियों को विपरीत कंधों पर रखें। अपनी पीठ और गर्दन को सीधा रखें और थोड़ी देर इसी स्थिति में बने रहें। यह आसन पीठ दर्द और ग्रीवा दर्द की तकलीफ से छुटकारा दिलाने में सहायक है। यह आसन शरीर के मध्य पट के लिए लाभदायक है। यह फेफड़े की कार्य क्षमता में वृद्धि करता है। घुटनों व जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को इस आसन से परहेज करना चाहिए। वापसी में श्वास खींचते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे सीधा करें और वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में ले आएं। वक्रासन। वक्र का अर्थ है टेढ़ा या मुड़ा हुआ। दाहिनी टांग को मोड़ें और दाहिने पैर को बाएं घुटने के साथ रखें। बाईं भुजा को दाहिने घुटने पर लपेटें और हथेली को दाहिने पैर के पास रखें। सांस छोड़ें, शरीर तथा गर्दन को दाहिनी तरफ मोड़ें। इस मुद्रा में आराम से रहें। अपना सर पीछे घुमाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें। पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें। यह आसन मेरुदंड के लचीलेपन को बढ़ाता है। यह कब्ज तथा अपच दूर करने और मधुमेह के प्रबंधन में सहायक है। इसे दूसरी तरफ के लिए दोहराएं। अपना सिर पीछे घुमाएं, सांस छोड़ते हुए अपने हाथ बाहर निकालें, पैरों को सीधा फैलाएं। अब वापस आएं और विश्राम आसन में विश्राम करें।
मकर आसन। मकर का अर्थ है मगरमच्छ। पेट के बल इस प्रकार लेट जाएं कि टांगे एक दूसरे से दूर हों तथा पैर बाहर की ओर हों। दोनों बाहें मोड़ लें तथा दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखें। अपने सिर को हाथों पर रख लें, आराम करें। यह मकर आसन है। यह आसन सभी अधोमुखी मुद्राओं में विश्राम के लिए किया जाता है। यह पीठ के निचले हिस्से को आराम पहुंचाता है। भुजंगासन। अब अधोमुखी मुद्राओं के लिए तैयार हूं। भुजंग का अर्थ है सर्प या कोबरा। पेट के बल लेट जाएं, सिर को हाथों पर रखें और शरीर को आराम से रहने दें। अब टांगों को आपस में जोड़ें और बाहों को खींचें। माथे को भूमि पर रखें। अब अपनी हथेलियों को छाती के पास रखें और कोहनियों को उठाएं। सांस भीतर लें और थोड़ी तथा नाभि के हिस्से तक छाती को ऊपर उठाएं। यह भुजंगासन है। यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। यह पीठ दर्द तथा श्वास संबंधी समस्याओं से निपटने में सहायक है। सांस छोड़ें, अपने माथे को भूमि पर रहने दें तथा बाहों को खींचें। अपनी टांगे फैलाएं, हथेलियां ऊंची करें तथा अपने सर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। शलभासन। शलभ का अर्थ है पतंगा या टिड्डा। पेट के बल लेट जाएं, टांगे आपस में जोड़ लें। थोड़ी को भूमि पर रखें। दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें कि हथेलियां ऊपर की ओर हों। सांस भीतर लें, अपनी टांगों को भूमि से उतना ऊपर उठाएं जितना आप बिना घुटनों को मोड़े हुए उठा सकें। बाहों और टांगों को इस तरह फैलाएं कि शरीर आसानी से भूमि से ऊपर उठ जाए। इस स्थिति में आराम से रहें। यह आसन साइटिका तथा पीठ के निचले हिस्से के दर्द में राहत देता है। यह कूल्हे की मांसपेशियों को आकार देता है। अब सांस छोड़ें, टांगों को नीचे भूमि की ओर ले आएं। अपनी बाहें निकालें और भूमि पर विश्राम करें। हृदय रोगियों को यह मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सेतु बंधासन। ऊर्ध्वमुखी या पीठ के बल लेटकर की जाने वाली मुद्राओं की ओर। सेतुबंध का अर्थ है पुल बनाना। टांगों को आपस में जोड़ें, बाहों को शरीर के किनारे रखें। दोनों टांगों को घुटनों पर मोड़ें और एड़ियों को नितंबों के पास ले जाएं। दोनों एड़ियों को कसकर पकड़ें। सांस भीतर लें, धीरे धीरे नितंबों तथा धड़ को पुल बनाने के लिए उतना ऊंचा उठाएं जितना आप उठा सकते हैं। आराम से रहें। यही अंतिम मुद्रा है। यह आसन अवसाद तथा व्यग्रता से मुक्ति देता है। यह पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अब सांस छोड़ें, धीरे धीरे मूल स्थिति में आएं और विश्राम करें। पीठ के बल लेट जाएं। कृपया ध्यान रखें, गर्भावस्था के बाद की तिमाहियों वाली महिलाएं इस आसन का प्रयोग ना करें। उत्तान पादासन। इस आसन में पीठ के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। इसी कारण इस आसन का नामकरण उत्तान पाद आसन हुआ है। जमीन पर आराम से पीठ के बल लेट जाएं, पैरों की स्थिति सीधी हो और हाथों को बगल में रखें। श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को नीचे लाएं और जमीन पर रखें। यह आसन नाभि केंद्र अर्थात नाभिमणि चक्र में संतुलन स्थापित करता है। अर्धहलासन। इस आसन में शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले
भारतीय हल्की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है। इसी कारण इसका नाम हल आसन पड़ा है। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों हाथ जांघों के बगल में रखें और हथेलियां जमीन पर टिका दें। घुटनों को बिना मोड़े अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। सर्वप्रथम अपने पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं, तत्पश्चात 60 डिग्री का कोण बनाएं। अब धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री के कोण की स्थिति में ले आएं। यह अर्ध हलासन की पूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में शरीर की स्थिति नितंब से कंधे तक सीधी होनी चाहिए। धीरे धीरे अपने पैरों को वापस जमीन पर लाएं। ध्यान रहे वापसी की स्थिति में सिर जमीन से ऊपर ना उठे। यह आसन गहरे तनाव से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए अत्यंत लाभदायक है, परंतु उन्हें बड़ी सावधानी पूर्वक यह आसन करना चाहिए। पीठ के निचले हिस्से के दर्द से पीड़ित व्यक्तियों को दोनों पैरों के साथ इस आसन को नहीं करना चाहिए। पवन मुक्त आसन। दोनों घुटने मोड़े तथा जांघों को छाती के पास लाएं, उंगलियों को आपस में जकड़ लें और घुटनों के नीचे पिंडलियों को अच्छी तरह पकड़ लें। सिर तथा कंधे उठाएं और घुटनों को थोड़ी से छूने का प्रयास करें। यह पवन मुक्त आसन है। यह कब्ज दूर करता है, उदर वायु से मुक्ति दिलाता है और पीछे की मांसपेशियों तथा मेरु तंत्रिकाओं को ठीक करता है। अपना सिर पीछे लाएं, सांस छोड़ें, अपनी टांगों को सीधा फैलाएं, आराम करें। उदर की चोटों, हर्निया, साइटिका तथा गर्भावस्था में यह अभ्यास ना करें। शवासन। शव का अर्थ है मृत शरीर। यह आसन संपूर्ण विश्राम के लिए किया जाता है। अपनी भुजाओं और टांगों को फैलाकर आराम से पीठ के बल लेट जाएं। हथेलियां ऊपर की ओर हो, आंखें बंद कर लें। पूरे शरीर को जागृत भाव से विश्राम दें। प्राकृतिक श्वास से परिचित हों। इसे लयबद्ध और धीमा होने दें। ताजगीपूर्ण और निश्चिंतता की अनुभूति होने तक इस अवस्था में रहें। यह आसन सभी प्रकार के तनावों से मुक्ति देता है और शरीर तथा मस्तिष्क दोनों को विश्राम देता है। यह तनाव तथा उसके परिणामों के प्रबंधन में बहुत सहायक है। यह मस्तिष्क के अग्रभाग के श्वसन केंद्रों को उत्तेजित करता है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और पूरे शरीर को विश्राम दें। गहरी सांस भीतर लें, सीना फुलाएं, सांस को उदर की मांसपेशियों के बलशाली संकुचन से बाहर निकालें। शांत रूप से सांस भीतर लेना और सक्रिय रूप से बाहर निकालना जारी रखें। विश्राम लें। इस प्रक्रिया को 30 बार करें। यह कपालभाति का एक चक्र है। प्रत्येक चक्र के अंत में गहरी सांस लेनी चाहिए।
अब दो चक्र और करें। कपालभाति सामने की वायु नलिकाओं को स्वच्छ करता है। इससे कफ संबंधी समस्याओं के निदान में सहायता मिलती है। यह ठंड, राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा तथा श्वास संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। कृपया ध्यान रखें, हृदय संबंधी परेशानियों, उच्च रक्तचाप, चक्कर आना, माइग्रेन, स्ट्रोक, हर्निया तथा गैस्ट्रिक अल्सर होने पर इसका अभ्यास ना करें। प्राणायाम, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्रमशः बाएं तथा दाएं नासिका छिद्रों से सांस लेना है। ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं, मेरुदंड सीधा रखें, सिर ऊंचा तथा आंखें बंद हों। शरीर को कुछ गहरी सांसें लेकर आराम की स्थिति में लाएं। बाई हथेली को बाएं घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें। दायां हाथ नासाग्र मुद्रा में होना चाहिए। दाएं अंगूठे को दाहिने नासिका छिद्र पर रखें। बाएं नासिका छिद्र से श्वास अंदर लें, फिर इसे बंद कर लें। दाहिने नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। अगली बार दाहिने नासिका छिद्र से सांस भीतर लें। दाहिना नासिका छिद्र बंद करें और बाएं नासिका छिद्र से श्वास बाहर निकालें। यह नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र है। 5 चक्र और पूरे करें। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रारंभ करने वाले नए लोग हैं, उनके लिए श्वास अंदर खींचने और बाहर करने का समय समान होना चाहिए। धीरे धीरे इनके समय का अनुपात बढ़ाकर 1:2 करना चाहिए। सांस धीमी, स्थिर तथा नियंत्रित होनी चाहिए। इस प्राणायाम का उद्देश्य ऊर्जा के सभी प्रमुख मार्गों को शुद्ध करना है। ये पूरे शरीर को पोषित करता है, ये चित्त को शांत करता है और एकाग्रता बढ़ाने में सहायता देता है। ये प्राण शक्ति बढ़ाता है और तनाव तथा व्यग्रता के स्तर को कम करता है। ये कफ संबंधी दोषों का भी निवारण करता है। शीतली प्राणायाम, शीत का अर्थ है ठंडा। यह प्राणायाम साधक के चित्त को शांत करता है और मन की व्याग्रता को दूर करता है। शीतली प्राणायाम अपने नाम के अनुरूप शरीर और मन को शांति प्रदान करता है। पद्मासन अथवा किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। अंजलि मुद्रा अथवा ज्ञान मुद्रा की अवस्था में अपने हाथों को घुटनों पर रख लें। जीभ को किनारों से मोड़कर ट्यूब की आकृति जैसा बना लें। इस ट्यूब नुमा जीभ से सांस लेते हुए जितना हो सके वायु को फेफड़ों में भरें और मुंह बंद कर लें और दोनों नासिका रंध्रों से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शीतली प्राणायाम रक्त को शुद्ध करता है। यह शरीर में शीतलता प्रदान करता है। उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों के लिए यह विशेष लाभप्रद है। यह भूख और प्यास का शमन करता है। कफ और पित्त के कारण होने वाली अपच और अन्य व्याधियों को दूर करता है। यह त्वचा और नेत्र के लिए लाभदायक है। ठंड, कफ अथवा तुंडिका शोथ अर्थात टॉन्सिलाइटिस के मरीजों को यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए।
भ्रामरी प्राणायाम। भ्रमर भौरे को कहते हैं। इस प्राणायाम में श्वास छोड़ने के समय जो ध्वनि निकलती है वो भौरे के भून भून से मिलती जुलती लगती है। दोनों नस छिद्रों से गहरी सांस भीतर ले। नियंत्रित तरीके से गहरी और स्थिर भौरे की भुनभुन की जैसी ध्वनि के साथ श्वास बाहर छोड़ें। यह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र है, दो बार और दोहराएं। इसे तनाव संबंधी विकारों को दूर करने में बहुत कारगर पाया गया है। अब भ्रामरी को षण्मुखी मुद्रा में करें। अपने कानों को अंगूठों से बंद कर लें। अब तर्जनी को अपनी आंख पर, मध्यमा को नासापुटों पर तथा अनामिका और कनिष्ठिका उंगलियों को अपने होठों पर रखें। अपनी नाक खोलें और दोनों छिद्रों से श्वास भीतर लें। नियंत्रित गति से धीरे धीरे भौरे की भुनभुन सी आवाज करते हुए श्वास छोड़ें। और ध्यान के प्रारंभ के लिए तैयारी करने का प्राणायाम है। ध्यान। आइए अब ध्यान के लिए तैयार हों। ध्यान एक निरंतर चिंतन की प्रक्रिया है। ध्यान की किसी भी मुद्रा में बैठें। अपने मेरुदंड को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें। ज्ञान मुद्रा ग्रहण करें। अपनी हथेलियों को जांघों पर ऊपर की तरफ को रखें। भुजाएं और कंधे ढीले और आराम की स्थिति में होने चाहिए। अपनी आंखें बंद कर लें और चेहरे को हल्का सा ऊपर उठाकर बैठ जाएं। आपको एकाग्र होने की आवश्यकता नहीं है, वरन केवल अपनी दोनों भौहों के बीच हल्का ध्यान दें और अपनी सांसों के प्रति जागरूक हों। ध्यान मस्तिष्क को शांत और आनंदमय रखता है। ये एकाग्रता स्मृति विचारों की स्पष्टता तथा इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। ये पूरे शरीर और मस्तिष्क को सही तरह से आराम देकर उसे पुनः चैतन्य कर देता है। ये सकारात्मक भाव जगाने में सहायक है। ध्यान हमें आत्मानुभूति की दिशा में आगे बढ़ाता है। ध्यान की स्थिति में बने रहे।
मैं स्वयं को एक स्वस्थ शांति प्रिय आनंद पूर्ण एवं प्रेम पूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। अपने प्रत्येक कार्य से मैं अपने चारों ओर सुख समृद्धि एवं शांतिमय स्नेहपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयत्न करूंगा। मैं अहम एवं अज्ञान केंद्रित जीवन के स्थान पर योगमय विवेकपूर्ण जीवन जीते हुए विश्व बंधुत्व एवं एकत्व के भाव के साथ पूरे विश्व को स्वयं में समाहित करने का पूर्ण पुरुषार्थ करूंगा। मैं वसुधैव कुटुंबकम एवं सह अस्तित्व के सिद्धांत के प्रति पूर्ण आस्था रखते हुए सबके प्रति कृतज्ञ भाव से आत्मत व्यवहार व आचरण करूंगा। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से एकात्म होने का संकल्प लेता हूँ। शांति शांति।